स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम रसोई में कोई भी पकवान नहीं बना रहे, बल्कि मैं आज आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, आजकल सफेद बालों की समस्या हर किसी को हो गई है। आप देख सकते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े हो, हर किसी को सफेद बाल की समस्या हो गई है। इसके लिए मैं आपको एक नेचुरल तेल बता रही हूँ जिससे कि एक महीने के अंदर ही आपको उस तेल का रिजल्ट दिखने लगेगा। इसके लिए हमें केवल चार चीज चाहिए। नारियल का तेल, ये मैंने पैरासूट का नारियल तेल लिया हुआ है, आप कोई सा भी नारियल तेल ले सकते हैं। मीठा नीम, एलोवेरा और आंवला। फ्रेंड्स, आंवला को आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं या इस प्रकार टुकड़ों में भी ले सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में यह नारियल का तेल डालकर गरम करने रखेंगे। फ्रेंड्स, तेल आपके अकॉर्डिंग आपको जितना भी बनाना है उतना ले सकते हैं। ये मेरा आधा किलो का डिब्बा है, मैं इसमें से आधा तेल बना रही हूँ, लगभग 250 ग्राम तेल बना रही हूँ। फ्रेंड्स, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपना यह तैयार करते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा मीठा नीम है, हम इसकी सारी लीव्स इस प्रकार से निकाल लेंगे। A few moments later. नीम की लीव्स हमने निकाल ली है। अब जो मैंने ये एलोवेरा लिया हुआ है, हम इसका जेल निकालेंगे। जेल निकालने के लिए फ्रेंड्स, आप इसको इस प्रकार से कट करें और इस प्रकार से इसको ऊपर से कट करें। और ये आप इस प्रकार इसका जेल निकालें। फ्रेंड्स, इस तेल को बनाने के लिए आप मार्केट वाले एलोवेरा का जेल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वह नेचुरल नहीं होता है। आप इसके लिए नेचुरल एलोवेरा का जेल ही निकालकर तैयार करें। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इसमें नारियल का तेल डाला हुआ था वह गर्म हो चुका है। अब मैंने जो मीठे नीम की है लीफ निकाली थी वह इसमें डाल दी। अब जो हमने ये एलोवेरा का जेल निकाला हुआ था वह भी इसमें डाल देंगे। यह आंवला पाउडर है जो कि हमने आंवला लिया था। अगर आप पाउडर ना हो तो आप साबुत आंवला भी डाल सकते हैं। पाउडर डालेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। फ्रेंड्स, अब इस तेल को हमें मीडियम आंच पर तब तक रखना है जब तक कि ये हमारी नीम की जो लीव्स हैं वह अच्छे से काली ना पड़ जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा तेल बन चुका है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें मीठे नीम की लीव्स डाली थी ये सारी अच्छे से जल चुकी हैं, और हमने जो इसमें एलोवेरा डाला था वह भी आप ये देखिए किस प्रकार से पूरे एलोवेरा का जेल इस तेल में निकल चुका है। ये देखिए आप, एलोवेरा भी हमारा पूरा जल चुका है इसमें। ये देखिए आप, पूरा एलोवेरा अच्छे से जल चुका है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये जिस प्रकार से बताया है आप इसको बिल्कुल वैसे ही बनाएं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारा ये तेल बनकर तैयार है। अब आप इसको ठंडा होने के लिए रखें और इन लीव्स को इस प्रकार साइड से कर दें। जब यह तेल आपका ठंडा हो जाए तो आप किसी चलनी या एक सूती कपड़े की सहायता से छानकर डिब्बे में भर के रखें। फ्रेंड्स, यह तेल मैंने खुद आजमाया हुआ है, ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। फ्रेंड्स, लेकिन एक बात और है,
कि अगर हम जैसे कि लड़कियां हैं, लेडीज हैं, अगर वह इस तेल को डेली लगाएंगी तो यह बहुत असर करेगा। टोटल यह है कि आप इस तेल को डेली लगाएं। अगर हम बच्चों के बाल वाइट हो चुके हैं और उनको हम डेली लगा रहे हैं तो बच्चों के बालों पे भी यह तेल बहुत जल्दी असर करता है। आपको किसी भी कलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इस तेल को लगाएं। पर डे इस तेल को लगाना है तभी आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, यह मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और इससे मुझे बहुत ही फायदा मिला था, जिसलिए मैंने आप सबके साथ यह तेल शेयर किया है। अगर आपको मेरी यह तेल बनाने की आइडिया अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।